नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मिसाइल अग्नि एक का सफल परीक्षण, 700 किलोमीटर तक करेगी मार। भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम और 700 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकने वाली स्वदेशी तौर पर विकसित अग्नि एक मिसाइल का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा तट के निकट स्थित एक परीक्षण रेंज से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के प्रशिक्षण अभ्यास के तहत किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है एकल चरणी मिसाइल ठोस प्रणोदकों से संचालित होती है। इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 4 से 10:02 पर किया गया। अग्नि एक मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन प्रणाली लगी है। 12 टन वजन और 15 मीटर की लंबाई वाली अग्नि एक मिसाइल अपने साथ 1 टन से ज्यादा पेलोड ले जा सकती है। इसकी मारक दूरी को पेलोड कम करके बढ़ाया जा सकता है। अग्नि एक का विकास डीआरडीओ की प्रमुख मिसाइल विकास प्रयोगशाला एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र इमारत के साथ मिलकर किया है। अग्नि एक का पिछला परीक्षण 11 सितंबर 2014 को इसी बेस से किया गया था और वह भी सफल रहा था। आपातकाल के दौरान किसी को असहिष्णुता नजर नहीं आई, वित्त मंत्री जेटली बोले। केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यसभा में नेता अरुण जेटली ने समान नागरिक संहिता, असहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कड़ी आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। कांग्रेस का नाम लिए बगैर जेटली ने कहा कि आजादी के बाद ज्यादातर समय में एक ही पार्टी का शासन रहा है, संविधान के क्रियान्वयन में भी इसी पार्टी की भूमिका अधिक रही है। आपातकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया और जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था, तब किसी को कोई असहिष्णुता नजर नहीं आई। जबकि आज के समय में कोई टेलीविजन पर कुछ बोल देता है तो बवाल मच जाता है। जेटली ने आपातकाल का नाम नहीं लिया लेकिन 1933 में जर्मनी में हिटलर की कार्यशैली और तानाशाही का जिक्र किया। सरकार बना रही है असहिष्णुता का माहौल, कहा गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस ने असहिष्णुता के मुद्दे पर शुक्रवार को मोदी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि उसकी संविधान में आस्था नहीं है, इसीलिए वह इसकी नींव रखने वाले प्रमुख नेताओं को याद न कर अपनी असहिष्णुता का परिचय दे रही है तथा इतिहास को दोबारा लिखना चाहती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि संविधान की नींव रखने और उसके मूल्यों तथा आदर्शों को मूर्त रूप देने वाले कांग्रेस के नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, इसलिए कांग्रेस की इसके प्रति वचनबद्धता है जिसे दोहराने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा रहा हो। गहलोत के बयान पर लोकसभा में हंगामा, माफी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने आज लोकसभा में भारी हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह के उपलक्ष में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता विषय पर दूसरे दिन की चर्चा शुरू करने के लिए कहा, कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा सी के वेणुगोपाल ने गहलोत की टिप्पणी का मुद्दा उठाया। इसी दौरान कांग्रेस के सभी सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर मंत्री के बयान पर खेद जताने की मांग करने लगे। गौरतलब है कि गहलोत ने गुरुवार को संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी। चीनी वायुसेना ने विवादित क्षेत्र के समीप अभ्यास किया। चीन की वायुसेना ने जापानी द्वीप के समीप विवादित क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर पर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। चीनी सेना के आधिकारिक माइक्रोब्लॉग के अनुसार लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता में विस्तार करने के लिए वायुसेना ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में इस साल चौथी बार सैन्य अभ्यास किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।